गाइस हम लोग का प्रॉपर टाच फिर बन गया और जा रहे थे, तैयार भी हो गए हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। और अभी जो है सुबह हम लोग चाय अपना पी लिए हैं और 8 बज रहे हैं। और अभी आज जो है वो सर्वज्ञ के बाल जो है कटवाने हैं। तो ऐसे क्या होता है ना कि जब भी लेके नहीं जाते हैं जो बाल वाला होता है ना, बार बार उसको घर पे बुला लेते हैं, वो काट देता है। तो रोते बहुत ज़्यादा हैं वो। तो अभी क्या है उसको मैंने बुला लिया है और आएगा वो, देखते हैं कब तक आता है। चाय तो अपना हो गया, नाश्ता पानी सब हो गया और सर्वज्ञ जो है वो अपना खेलने में लगे हुए हैं। और बाकी बाहर जो है वो अभी भी धूप और बादल वाला मौसम अभी भी है। तो कुछ दिन से जो था बाल कटवाना था, मगर बारिश की वजह से बाल वाला जो आ भी नहीं पा रहा था काटने के लिए, और बारिश भी बना हुआ था, ठंडा भी, मतलब जब वो पानी बंद होता था बारिश तो वो आने के लिए तैयार होता था, तो मैं मना कर देती हूँ क्योंकि लेट काफ़ी हो जाता, 2:30 बज जाता था, तो इसलिए बाल नहीं कटवाते थे। तो आज जो है बारिश, मौसम थोड़ा ठीक भी है तो आज बाल कटवाएंगे। तो फ़ोन कर दिया, वो आ ही रहे होंगे, तो देखते हैं कब तक आ जाए। आ जाए, होपफुली जल्दी आ जाए तो अच्छी बात है। तो गाइस अभी जो है 1:15 बज रहे हैं और अभी तक मतलब बाल काटने के लिए आए नहीं हैं। फ़ोन तो बहुत पहले कर दिया था, मगर आज संडे है तो थोड़ा शॉप पे उनकी भीड़ उड़ भी रहती है, तो इसलिए थोड़ा आने में थोड़ा लेट हो रहा है उनको। और यहाँ पे सर्वक के जो हैं कपड़े वपड़े चेंज कर दिए हैं, और क्योंकि इस पे कपड़ों में ना बाल जो है ना वो घुस जाते हैं, तो चुभते भी हैं तो रोता भी बहुत ज़्यादा, तो कपड़े अभी चेंज कर दिए हैं। तो बस यही है, देखो टाइम देखो 1:15 हो रहा है, तो बस यही चलती आते हैं, बस निकल चुके हैं, फ़ोन कर दिया, आ रहे हैं और बस बाल कटाते हैं, दिखाएंगे आपको। और रोता बहुत ज़्यादा है, होपफुली रोए ना तो अच्छी बात है, आराम से कटवा ले, अच्छे से कटवा ले। चलो देखते हैं, पकड़ें, अब पकड़ेंगे नहीं हम बाल, चलो कटवाना है बार बार से बाल कटवाना है। पकड़ो इसको, पकड़ो, थोड़ा इनको खिला देंगे, थोड़ा शांत रहेंगे ना, थोड़ा तो हो सके तो ना रोएंगे। पको, कैसे पकड़ो, और कल से मतलब बाल जब से कटना है तो पूछ रहे हैं इनसे, रोओगे, तो अभी तो फिलहाल बोले नहीं रोएंगे, तो देखते हैं नहीं रोते हैं क्या करते हैं, अभी बच्चा है, शायद अनजान है आदमी तो शायद देख के रोए। तो गाइस ये देखो बाल इनके कट गए, ये देखो अब रो कितना रहे हैं, ये देखो रो रहे हैं। तो बाल मतलब अभी बोले थे कट जाएंगे, अब बाल इतना मतलब हो गया इनका, 3-3 लोग लगे थे पकड़ने, तब जाके इनका बाल कटा है। तो अभी जल्दी देखो बाथरूम, अपने आप बाथरूम में घुस गए नहाने। इधर देखो, चुप एकदम। तो गाइस बाल अपना कट, तो गाइस सर्वज्ञ के बाल कट गए हैं और देखो कार्टून देख रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही रोए हैं ये आज, मतलब 3 लोग लगे थे बाल कटवाने में, मतलब बाल काट इनको पकड़ के कटवाने में, तो मैंने गोद में लिया था और पापा जो है पकड़े थे और प्रीति, और तब जाके कहीं इनका बाल कटा है। और इतने नाटक, इतना रोया इन्होंने, तो अभी चुप है, नहा लिए हैं और अब जो है टाइम भी काफी हो गया, तो अब जाके खाना वाना खाएंगे और फिर उसके बाद जो है आपसे मिलते हैं। तो गाइस दोपहर में खाना वाना खा के मस्त वाली नींद मार दी और शाम हो गई, और सर्वज्ञ देखो यहाँ पे उठ गए हैं और चाय वहाँ रखी हुई है, तो चाय पियेंगे। और अभी थोड़ा मार्केट जाना है, बाहर देखते हैं मौसम कैसा है। दोपहर में तो मौसम थोड़ा खराब हो रखा था, बारिश वाला हो रखा था, तो अभी देखेंगे मौसम कैसा हो रहा है, अगर ठीक होगा मौसम तो जाएंगे, नहीं तो आज भी कैंसिल ही है बारिश की वजह से। तो यह सर्वज्ञ आए प्रीति, तो बस जल्दी से चाय ख़त्म करते हैं, पीते हैं और फिर निकलते हैं मार्केट के लिए। तो गाइस अभी जो है तो बारिश रुकी हुई है, गुड न्यूज़ तो ये है, मगर बादल जो है ना वो गरज लगातार तेज तेज से, तो बस तैयार हो गए, गाड़ी निकालनी है, स्कूटी, और निकलते हैं, जूता नहीं चढ़ रहा है यार, तो बस निकलना है जल्दी से। और ये देखो बादल, ये देखो बिजली चमक रही है लगातार, तो देखते हैं जाते हैं जाते हैं, और सुनाई दे रहा होगा बादल जो है गरज रहे हैं। देखते हैं जाएं कि ना जाएं, क्योंकि बारिश है तो मूड ही खराब कर रखा है, पता नहीं क्या बारिश है,
पूरी बरसात निकल गई, बारिश नहीं हुई, अभी बारिश हो रही, बरस नहीं रहा है, गरज रहा है, गरज रहा है। बरस रहा है यार, टाइम वेस्ट बस केवल। तो हम लोग का पोपट हो गया, हम लोग तैयार होके निकले और बाहर बारिश हो आज भी कैंसिल प्रोग्राम, पूरा मूड ही खराब हो गया। चावल भी नहीं है, चावल लाना था। दिन में बारिश रुकी हुई थी मगर बे यार कोई काम ही नहीं हो पा रहा यार। देख रहे हो लगातार बारिश, बिजली चमक रही। सो गाइस हम लोग का पोपट आज फिर बन गया और जा रहे थे, तैयार भी हो गए हैं, निकले तो देखो बारिश हो रही है। मैं जब गया था सर्वज्ञ को जो नानी के छोड़ने गया था, एकदम मौसम साफ हो गया था, एक दो तारे भी दिख रहे थे, और अभी जब तैयार होके निकले तो एकदम बादल वाले, देखो दिख रहा होगा वीडियो में हल्के, और बिजली भी चमक रही है, क्या है यार, मतलब पूरा मूड खराब कर दिया। मतलब 3-4 दिन से बारिश से पूरा मूड खराब कर दिया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, एकदम मतलब लॉकडाउन वाला स्थिति बना दिया। शाम को और कभी कभी तो दिन में, आज तो दिन में थोड़ा ठीक था, तो दिन में इसलिए नहीं जा पाए यार, घर का कुछ काम था इसलिए और नहीं जा पाए। अभी वो सर उसके सर्वक के लिए बाल काटने के लिए बार बार आने वाले, बाल काटने वाला आया था, उसको बुलाया था क्योंकि वो भी टल ही रहा था बहुत दिन से, तो आज होपफुली वो बारिश बंद थी और मौसम भी थोड़ा ठीक था, गर्म था, तो आज बुला लिया उसको, कटवा लिया, संडे भी था तो कैसे भी वो भी टाइम निकाल के आया बाल काटने की, तो आया बाल कट गया, फिलहाल रोते रोते कटा, जब उसका मुंडन था तब इतना नहीं रोया था, आराम से कटवा लिया था बैठ के, लेकिन अब बहुत होता है तो जो है पूरा मूड खराब हो गया बारिश में। घर का भी सामान कुछ लाना था, सोचे थे ले आएंगे आज जाके, और धीरे धीरे तो 3-4 दिन से वेट करते करते जो चीज़ थी यूज करने वाली वो भी खत्म ही हो गई है, बची नहीं है, कल भर का है, देखते हैं फिर कैसे। अरे यार मौसम में चलो देखोगे, टाइम वेट करोगे, वेट कर लेते हैं और क्या, अब तैयार हुए हैं, क्या पता बरस जाए रुक जाए, दिन लगातार जो है बिजली चमक रही, लगातार चमक रही बिजली, क्या करे बताओ, क्या करोगे, देख लो अभी थोड़ी देर अपना काम करिए, क्या ही कर सकते हैं बारिश में। बोल रहे हैं छाता लेके चले जाओ, गाड़ी पे छाता लेके रखा, बाइक पे, वह बाइक में छाता कैसे लेके चले जाएं यार, मतलब पता चले छाता उल्टा हो गया और अब भीग गए, उल्टा नहीं होगा गाड़ी के साथ उड़ते चले इससे अलग, छाता उड़ गया ऊपर, वही हम भी उड़ गए साथ में, बाइक अलग जा रही है, हम कहीं और जा रहे हैं, क्या यार ये पापा लोग आजकल के ना अजीब वो गरीब चीज बताते हैं, साइकिल थोड़ी की छाता लेके लेके चले जा रहे हैं एक हाथ से पकड़े हुए, सोचो जो हो ही नहीं रहा इतने दिनों से लगातार बराबर यार, मतलब बारिश खत्म, मतलब बारिश खत्म, पूरी बरसात बारिश नहीं हुई अभी, देखो ऐसे बारिश हो रही है जैसे कि मतलब कि बरसात वाला ही मौसम है, इसलिए बहुत ख़राब लग रहा है, और 3-4 दिन लगातार, अभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी तो रुक गई, ठीक हो गया मौसम, भाई फिर जो है बारिश हो रही है, क्या ही कर सकते हैं अभी, चलो देखते हैं बारिश अगर बंद होती है तो जाते हैं, नहीं तो आज भी कैंसिल ही करना पड़ेगा बारिश की वजह से। तो अभी भी गाइस बारिश हो रही है, तो अब तो 9 बज गया है गाइस, तो अब जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो बस अब जाएंगे अंदर, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, और सर्वज को भी लेने जाना है, उनके नानी के यहाँ से छोड़ आया था मैं शाम को, तो और प्रीति अंदर जो है वो खाना वाना अपना बना रही है, और पापा जो है अंदर वो मैच देख रहे हैं, आज मैच आ रहा है इंडिया का, साउथ अफ्रीका का मैच आ रहा है,
तो वो देख रहे हैं, तो बस अब चेंज करेंगे कपड़े। तो गाइस अभी जो है पापा को खाना देने जा रही थी और यहाँ पे अपने लिए मैगी वैगी बना रही हैं, तो आज खाने की इच्छा नहीं हुई तो सोचा मैगी बना लेते हैं, तो मैगी बनाया जा रहा है। और ये आज सब्जी कौन सी बनी, सब्जी बनी है आज आलू और शिमला मिर्च। नहीं मैगी खाएंगे, मैगी तो खाएंगे ना, हमने बोला खाना नहीं खाएंगे, मैगी खाएंगे। मैगी मैगी भी नहीं दोगे, अपने अपने लिए बना रही बस। देख लो मैगी अपनी तैयार हो रही है मजेदार। तो भाई लोग अपनी मैगी आ गई है और मजेदार मैगी आ गई है और गर्मा गर्म है और देखो कितनी अच्छी दिख रही है। तो जल्दी से खाते हैं, और हमारी मैडम जी ने बनाया है तो जल्दी से खाते हैं। और यहाँ हमारे बिटुआ बैठे हैं और यहाँ प्रीति का और ये मेरा, मैं इतना खाऊंगा। तो जल्दी से खाते हैं, खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो आज खाना खाने का मन नहीं था तो आज मैगी बना लिया। मैगी खाने का मन कर रहा था, बारिश भी हो रही है तो थोड़ा मन कर गया मैगी खाने का। और हम लोग को जाना था, इतने दिनों से काम था, बाहर का सामान कुछ लेना है, कुछ अपना पर्सनल सामान भी लेना, कुछ घर का सामान भी लेना है। बारिश की वजह से जा ही नहीं पा रहे, आज तो तैयार होके भी नहीं जा पाए। दो बारी तैयार हुए फिर वेट करते रहे, एक घंटा भर वेट भी किया कि बंद हो जाएगी बारिश, हो जाएंगे, लेकिन फिर बारिश बंद ही नहीं हुई। एक मतलब एक मिनट के लिए बारिश बंद नहीं हुई, अभी भी बारिश हो ही रही है। तो बस अपना आज का यही रहा, बाहर जाना था, काम हो नहीं पाया जितना था। घर में भी आदमी बाहर निकल ही नहीं पा रहा है कि हाँ चलो बाहर कहीं ऐसे टहल ही आए, छत पे चले जाएं, कहीं भी नहीं जा पा रहे, घर के अंदर बैठे बैठे ब्लॉग बनाए भी आदमी तो क्या बनाएगा, यही खाना पीना अपना रूटीन जो है वही बनाएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलो बाबू, चलो बाय कर दो, सबको बोलो बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। खाना खाए हो बता दो, क्या खाए हो, क्या खाया बताइए, हेलो क्या खाया है बताइए, क्या खाए हो। तो अब इनको सुलाएंगे और ये सो जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग का सोना। वैसे भी एक दो बजे तक इनको सोना तो है नहीं, इनको रात में नींद ही नहीं आती है, शाम को सो जाते हैं, शाम को जल्दी नहीं उठते हैं, जबरदस्ती उठाना पड़ता है, उसके बाद भी रात में सोते नहीं है। तो बस अब इनको सुलाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सोएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। गाइज अपनी मैगी आ गई है और फैन भी बंद कर दो गाइज।